हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आज का हम लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। सो बेसिकली जो हम नेटवर्क मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें ये टॉपिक भी अगर हम उसको शामिल कर लें तो हमारा नेटवर्क मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो अपने लेटेस्ट लेवल पर पहुँच जाएगा। क्योंकि आज का जो ज़माना है मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, और उस मोबाइल फ़ोन के ज़माने में उसकी कम्युनिकेशन को समझना भी एक अपने आप में ही एक नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है, तो इसको हम आज इसको कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में कैसा था, फिर वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, एवोल्यूएट कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ मोबाइल कम्युनिकेशन का, और फिर आज का जो न्यू जनरेशन है वो मोबाइल कम्युनिकेशन को कैसे देखती है, उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली अगर आप नाइलेट का कोर्स लिए हुए हो, ए लेवल का, ए लेवल इन आईटी, तो उसमें ए लेवल इन आईटी कर रहे हो अगर आप, तो उसमें बेसिकली ये वाला जो ये यूनिट है वो 4 मार्क्स की है, और इसमें से 1 वर्ड में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। अगर पूछेंगे तो 4 मार्क्स का एक पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं तो 1 वर्ड मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें से किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको क्वेश्चन बना देंगे, और इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम ये समझ लेते हैं मोबाइल टेलीफोन सिस्टम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सो द मोबाइल टेलीफोन सिस्टम इज़ यूज फॉर वाइड एरिया वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन। अब आपको ये तो पता है, आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी इसके पहले वाली, तो उसमें मैंने आपको PSTN पढ़ाया था, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो वो पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो होता है फिज़िकल लेयर में, जो हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एक स्विच ऑफिस होता है जो किससे कनेक्टेड होता है, वो टेलीफोन से कनेक्टेड होता है, जो आपके टेलीफोन है ना उनसे, ऐसे ऐसे टेलीफोन से कनेक्टेड होता है। ये पहले के समय में होता था ये सिस्टम, जो वायर्स होते थे टेलीफोन लाइंस की, वो सबके घरों से, और फिर उस वो PSTN के ज़रिए, उस टेक्नोलॉजी को PSTN बोला जाता था, क्योंकि वो एक पब्लिक स्विचिंग नेटवर्क होता था। ठीक है, सो बेसिकली ये वाइड एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि पूरे कंट्री में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिटी में, कंट्री में, सिटी में, या किसी पूरे नेशन में, नेशन वाइड ये सारी चीज़ें फैली हुई थी। और इस कम्युनिकेशन में हम एक ट्रांसमिशन मेथड, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे, जिसको हम बोलते थे वैन। क्या यूज़ करते थे? ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते थे इसको? वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपने पहले वीडियोज़ में पढ़ा होगा, मैंने जब पढ़ाई है तो इनके बारे में सब कुछ समझाया है। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियोज़। सो वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बताया था मैंने। सो मोबाइल कम्युनिकेशन भी एक तरीके का वाइड एरिया नेटवर्क है, और ये ऐसा वाइड एरिया नेटवर्क है जो 2 चीज़ों पे वर्क करता है। कौन कौन सी? मोबाइल कम्युनिकेशन, कॉम लिख देता हूँ मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा 2 चीज़ों पे वर्क करता है। पहला है हमारा वॉइस, और दूसरा है हमारा डाटा। वॉइस का मतलब है कि जो हम कॉलिंग वगैरह जो करते हैं वो वॉइस के ज़रिए करते हैं, इसमें हमें डाटा का होना कंपलसरी नहीं है। जैसे पहले आपने जो आपके कीपैड फ़ोन हुआ करते थे, कीपैड फ़ोन में ये सुविधा नहीं हुआ करती थी कि उसमें हम इंटरनेट चला सकें, लेकिन आज के जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें इंटरनेट की सुविधा भी है। सो बेसिकली मोबाइल कम्युनिकेशन इन दोनों में से एक से भी चल सकता है, और दोनों से भी चल सकता है, और अगर एक भी है तो भी चल जाएगा, और दोनों हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब एफिशिएंट माना जाएगा वो मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बेसिकली अगर डेफिनेशन आती है एग्ज़ाम में मोबाइल टेलीफोन सिस्टम की या मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन की, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ वाइड एरिया वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन। समटाइम मोबाइल फ़ोन्स कॉल्ड सेल फोन, मोबाइल फ़ोन को सेल फोन्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपको मोबाइल की जगह सेल यूज़ करा जाए तो आप समझ जाइएगा जो मोबाइल फ़ोन होते हैं वो सेल फोन्स होते हैं। ठीक है, ये टर्म यूज़ होगी आगे मैं टॉपिक में जब पढ़ाऊँगा।
तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल कम्युनिकेशन जो हमारा आया उसको हम एनालॉग वॉइस बोलते थे, ठीक है। एनालॉग वॉइस का मतलब है ये एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड था। हमने फिज़िकल लेयर में डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो एनालॉग सिस्टम में एनालॉग वॉइस बोला जाता था क्योंकि जो एनालॉग पे बेस्ड था। और फिर हमारा आया डिजिटल वॉइस, मतलब ये डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड था। फिर इसके बाद हमारा आया 3G कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते थे डिजिटल वॉइस एंड डाटा, मतलब कि जो हमारा इंटरनेट की जो सुविधा जो स्टार्ट हुई है हमारी, वो 3G कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुई है, ठीक है। उसके पहले भी इंटरनेट की सुविधा थी, लेकिन वो इतनी हाई स्पीड नहीं थी, इतनी एफिशिएंट नहीं थी, बैंडविड्थ कम थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से हम उसमें कुछ ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं कर पाते थे। सिर्फ ईमेल और रिमोट शेयरिंग जैसी टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर पाते थे, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन जो है वो अर्ली 20th में स्टार्ट हुई, जिसको हम रेडियो टेलीफोनीज बोलते थे। रेडियो टेलीफोनीज का मतलब हुआ कि जो रेडियो सिस्टम होता था हमारा, तो उसको उसके ज़रिए हम वॉइस को कनेक्ट कराते थे। रेडियो सिस्टम होता था बेसिकली मिलिट्रीज और मरी टाइम, मतलब कि जो इंटरनेशनल कॉल्स, अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कॉल लगानी है, सो बेसिकली उसके लिए हम यूज़ करते थे। और ये 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ। 1946 में फर्स्ट कार सिस्टम बनाया गया, जिसमें पुश टू टॉक सिस्टम का यूज़ किया गया, ठीक है। पुश टू टॉक सिस्टम जो था हमारा, वो लार्ज, जिसमें होता एक लार्ज ट्रांसमीटर होता था जो एक टॉल बिल्डिंग पर लगा हुआ होता था, और उससे हम क्या करते थे, सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ वॉइस करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम होता था, ये इसमें एक ही चैनल होता था, सिंगल चैनल होता था, और सिंगल चैनल होने की वजह से इसमें एक टाइम पे ही सेंडिंग और रिसीविंग हो पाती थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक टाइप का सिंप्लेक्स फॉर्म था, ये सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन था। सो इसमें क्या होता था, एक ही टाइम पे हम या तो सेंडर बात करेगा या तो रिसीवर बात करेगा, और इसमें एक पुश बटन लगा हुआ था, इसलिए इसको पुश टू टॉक सिस्टम बोला जाता है। 1950 में इसको यूज़ करा गया कैब्स में, टैक्सीज में और पुलिस कार में यूज़ करा जाता था, ठीक है। अगर आपको इसका इसकी टेक्नोलॉजी आपको देखनी है, तो आप पुरानी मूवीज़ में देख सकते हैं। पुरानी मूवीज़ में इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। पुलिस स्टेशंस मूवीज़ में जो आपको पुलिस मिलेगी, वो इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए आपको मूवीज़ में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से रेलवे स्टेशंस में भी इसका यूज़ होता था, ठीक है। जो हमारे रेलवे लोको पायलट होते हैं, उनसे कम्युनिकेशन बिठाने के लिए इसका यूज़ होता था। इसके बाद हमारी एक टेक्नोलॉजी आई 1960 में, इसको और डेवलप किया गया 1G टेक्नोलॉजी को, और हमारी IMTS आई। IMTS थी हमारी इम्प्रूव्ड मोबाइल टेलीफोन सिस्टम, और इस टेक्नोलॉजी को इसलिए एफिशिएंट माना जाता था क्योंकि इसमें 200 वोल्ट की हाई पावर ट्रांसमीटर्स यूज़ होते थे। हाई पावर ट्रांसमीटर से वर्क इसलिए एफिशिएंट हो गया था क्योंकि अब पुश टू टॉक बटन का काम नहीं था वहाँ पर। मतलब हम किसी से हमें बात करनी है तो हम सिंप्लेक्स फॉर्म में नहीं कर सकते, मतलब सिंप्लेक्स फॉर्म को अब यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दिया गया, और अब यहाँ पर टू वे ट्रांसमिशन होने लगा, जिसको हम फुल ड्यूप्लेक्स बोलते हैं, जिसमें हम दोनों रिसीवर और सेंडर दोनों बात कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को 23 चैनल पर बनाया गया। पहले इसको स्टार्ट करने के लिए, एक तरीके से देखने के लिए बनाया था, तो 23 चैनल्स थे इसमें पहले स्टार्टिंग में, इसलिए जो इसका स्प्रेड स्पेक्ट्रम था वो 150 मेगाहर्ट्ज़ से 450 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम था, और इसमें जो चैनल्स थे वो स्मॉल थे, इसलिए इसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ता था कॉल के लिए। अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो उस चैनल में अगर फ्रिक्वेंसी नहीं मिलती थी ड्यू टू ऑफ स्मॉल स्पेक्ट्रम,
तो इसमें एक डायल टोन सिस्टम था जिससे क्या होता था, वो डायल टोन बजती थी और फिर हम उसके बाद ही कॉल कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमारा एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम आया, AMPS जिसको बोला जाता है, और इससे क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। AMPS जो सिस्टम है इसको बेल लैब्स ने इन्वेंटेड किया 1982 में, यूनाइटेड स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया। और AMPS जो है हमारा, इसकी जो मतलब रेंज होती थी, जिस किस रेंज तक हम इसमें बात कर सकते हैं, तो 10 to 20 किलोमीटर की रेंज तक हम बात कर सकते हैं। और ये डिजिटल सिस्टम पर बेस्ड था। ठीक है, ये जो सिस्टम जो था ये डिजिटल सिस्टम पे था। बेसिकली हम तारों की मदद से तो नहीं कर पाएंगे ना 10 से 20 किलोमीटर की रेंज में, हम डिजिटल सिस्टम पे ही कर पाएंगे। तो डिजिटल सिस्टम पे बेस्ड था, मतलब अब जो टेक्नोलॉजी एनालॉग थी वो पुरानी कौन सी थी, IMTS की जो टेक्नोलॉजी थी ये वाली, वो क्या थी, एनालॉग थी। और ऊपर भी हमने जो पुश टू टॉक पढ़ी वो भी ये एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड थी। द सेल आर स्मॉलर, इसमें सेल्स जो होते थे वो स्मॉल होते थे। ईच सेल यूजेस सम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज नॉट यूज्ड बाय एनी ऑफ इट्स नेबर, तो उसमें स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो था वो बड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से हम एक फ्रिक्वेंसी पर नहीं निर्भर होते थे, हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज होती थी, जिस वजह से हमें कॉल के लिए वेट नहीं करना पड़ता था। ठीक है, द की आइडिया दैट गिव्स सेलुलर सिस्टम फॉर मोर कैपेसिटी द प्रीवियस सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर रिलेटिवली स्मॉल सेल्स एंड रीयूज ऑफ ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज नियर बाय बट नॉट एडजेसेंट सेल्स। इसका जो की आइडिया है, मतलब इसको आइडिया कहाँ से मिला इस सेलुलर सिस्टम को बनाने के लिए, तो इस सेलुलर सिस्टम को बनाने के लिए आइडिया मिला बिग ट्रांसमिटर बिग चैनल्स को डिफाइन करने के लिए। जो हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम था वो छोटा था और यहाँ पर हमने इसको बिग कर दिया, इस वजह से इसका जो चैनल है वो ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हमारी वो इंक्रीज़ हो पाई ड्यू टू स्मॉल सेल्स। ठीक है, स्मॉल सेल्स का मतलब है जो हम बात मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे वो उनका जो साइज़ होता था वो स्मॉल होता था, आप ये कह सकते हैं कि उस ज़माने के कीपैड मोबाइल फ़ोन्स। इसका एडवांटेज क्या था, एडवांटेज ये था कि इंक्रीज़ द सिस्टम कैपेसिटी, जैसे मैंने बोला इसने स्प्रेड स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ कर दिया था। स्प्रेड स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये पर्टिकुलर एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है, कुछ फ्रिक्वेंसीज बन रही हैं, ठीक है, और ये एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि ये इतनी फ्रिक्वेंसीज हैं ड्यू टू किस वजह से, कि इसमें सिर्फ कम पावर, इसमें ज़्यादा पावर यूज़ हो रही है, और एक एक मोबाइल फ़ोन में एक एक मोबाइल फ़ोन का साइज़ इतना बड़ा है कि पावर इतनी ज़्यादा हो रही है कि फ्रिक्वेंसी जो है ना वो उसमें समा नहीं पा रही, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसमें समा नहीं पा रही। सो बेसिकली इसमें होता ये था कि जो हमारे जब भी हम किसी को कॉल करते थे तो हमें उसमें वेट करना पड़ता था पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी में, ये सिस्टम क्या था IMTS का। लेकिन अब ये सिस्टम AMPS में क्या बन गया था कि पर्टिकुलर ये एक एरिया है और इस एरिया में भी एक छोटा सा हमने एरिया बना दिया, अब उस एरिया में ही हमारी कॉल चल रही, बाकी हमारे पास पूरी फ्रिक्वेंसी बची हुई है फॉर अनदर कॉल। ये किस वजह से हो पाया, ये यूज हो पाया बेसिकली स्मॉल सेल्स की वजह से, स्मॉल मोबाइल फ़ोन की वजह से हो पाया। इसका डिसएडवांटेज क्या था, डिसएडवांटेज इसका ये था कि हमें एक ऊंची जगह ढूंढनी पड़ती थी इसके ट्रांसमीटर को लगाने के लिए। बेसिकली इसका एक एंटीना होता, स्टेशन एंटीना होता था, और उसको लगाने के लिए हमें एक लार्जर हाइट वाली जगह की, एल्टीट्यूड की जगह ज़रूरत होती थी। तो हम क्या करते थे, इसको जो कैथोलिक चर्च होते थे स्टार्टिंग में उस पर लगाया जाता था ऐसे। तो ये इसमें था हमारा मैनेजमेंट ऑफ AMPS। मैनेजमेंट ऑफ AMPS में क्या होता था कि जैसे हमारे पहले पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स होते थे PSTN में, उसी तरीके से हमारे मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स हुआ करते थे 1G नेटवर्क को देखने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी ये सारी चीज़ें।
ठीक है, MSTO भी बोला जाता था इसको। यही क्वेश्चन आता है ऐसे वन वर्ड में आपके पूछ लेगा कि कौन इसका मैनेजमेंट संभालता था या फिर बेस स्टेशन क्या होता था, तो आप इसको ही लिख सकते हो कि जो आपका MSC होते थे, मोबाइल स्विचिंग सेंटर्स होते थे, वो इनको संभालते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। चैनल यूज्ड बाय AMPS, तो इसमें 832 की फुल डुप्लेक्स चैनल यूज़ होता था, जो कि क्या होता था, जो कि पेयर ऑफ सिंपलेक्स चैनल से बना हुआ होता था। ठीक है, दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज FDD। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है जो आ सकता है आपका FDD का, कि फ्रिक्वेंसी डिवीज़न ड्यूप्लेक्स, ये किस में पाया जाता है, तो 1G कम्युनिकेशन में पाया जाता है, इसको आप देख लेना। या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि AMPS में भी पाया जाता है, मैचिंग में आ सकता है बेसिकली ये क्वेश्चन। AMPS दे देगा एक साइड, एक साइड FDD दे देगा, और पूछ लेगा कि भैया बताओ कि कौन सा किससे मिलाव है, तो FDD में ही आपको मिलाना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा बेस स्टेशन ट्रांसमिशन जो होता था वो 824 से लेके 849 MHz तक होता था। ठीक है, बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ है बाकी। हाँ, सिंप्लेक्स चैनल पढ़ लीजिए, सिंप्लेक्स चैनल जो होता था एक पर्टिकुलर, वो 30 KHz का होता था। ठीक है, जो भी हम मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं वो 1G टेक्नोलॉजी से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम सेक और बाकी की जनरेशन्स में जाते हैं तो वो चीज़ बदलती नहीं है। जैसे जो ट्रांसमीटर्स यूज़ होते थे वो बदलेंगे नहीं, वो टावर्स के फॉर्म में यूज़ हो जाएंगे, वो और भी कोई सैटेलाइट के फॉर्म में यूज़ हो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ बदलेगी नहीं। वो चीज़ क्या होती रहेगी, वो एडवांस होती रहेगी, लेकिन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो एक ही पे बेस्ड रहेगी। मैं आपको बताऊँगा आगे कैसे होता है वो। कॉल मैनेजमेंट की बात कर लें हम, तो पहली चीज़ तो इसमें एक 32 बिट का सीरियल नंबर होता था और एक 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता था। ठीक है, 32 बिट का सीरियल नंबर मतलब कि हम किसी भी इंसान को फ़ोन लगाने के लिए, इंसान बोल रहा हूँ, किसी भी पीपल को फ़ोन लगाने के लिए हम फ़ोन करते थे, तो उसके लिए हमें 32 बिट का एक सीरियल नंबर यूज़ करना पड़ता था, और उसमें हमारे पास एक 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता था, बेसिकली वो हम यूज़ करते थे। ठीक है, ये इस तरीके से आप समझ लीजिए कि आपके घर में सेटअप बॉक्स लगे हुए होते हैं, उसका भी एक सीरियल नंबर होता है। ठीक है, वो सेटअप बॉक्स जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, सैटेलाइट के बेस्ट पे काम करते हैं। और उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे सैटेलाइट्स तो नहीं होती थी, उस टाइम पे ट्रांसमीटर्स यूज़ होते थे। तो बेसिकली जो हमारे 32 बिट का जो सीरियल नंबर होता था वो पर्टिकुलर मोबाइल को दर्शाता था। ठीक है, आज भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है कीपैड फ़ोन में, और बड़े बड़े फ़ोन में भी यूज़ होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो बढ़ चुकी है। और 10 डिजिट का टेलीफोन नंबर होता था, तो 10 डिजिट के टेलीफोन नंबर्स का मतलब ही यही होता था कि आप किसी को कॉल करोगे तो 10 डिजिट का नंबर होना, उस 10 डिजिट के नंबर में जो, वो 10 डिजिट का नंबर जो होता था वो 34 बिट का होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 34 बिट का होता था, 32 बिट का क्या होता था, सीरियल नंबर होता था, वो किसके लिए होता था, वो टेलीफोन के लिए यूज़ होता था। ठीक है, और टेलीफोन नंबर होता था वो 34 बिट का होता था, 34 बिट में जो 10 बिट्स होती थी आपकी, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, 34 बिट का आपका क्या होता था, मोबाइल नंबर, ये होता था मोबाइल नंबर कॉलिंग करने के लिए, कॉलिंग करने के लिए। ठीक है, और जो आपका सीरियल नंबर होता था फ़ोन का, फ़ोन का सीरियल नंबर होता था वो 32 बिट्स का होता था। और जो 34 बिट्स में से 10 बिट्स जो होती थी वो एरिया कोड होती थी। एरिया कोड मतलब आप किसी कंट्री में रह रहे हो, 3 डिजिट का एरिया कोड होता था, और बाकी जो 7 डिजिट्स होते थे वो नंबर होते थे। ठीक है, और बेसिकली ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ होता था। अगला है हमारा 2G मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉइस जिसको बोला जाता है, मैंने आपको ऊपर बता दिया। अच्छा, इसमें कुछ डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं लिखनी आपको, क्योंकि डेफिनेशन तो मोबाइल सिस्टम की है, इसमें सिर्फ जो टाइप्स हैं हमारी, उन टाइप्स की भी कुछ सब टाइप्स हैं। 2G मोबाइल फ़ोन सिस्टम जो होता था वो दो हमारे पास मेनली निकल के आए इसमें, तो पहला है हमारा DAMPS, मतलब डिजिटल एडवांस मोबाइल फ़ोन सिस्टम। सो जो हमारा DAMPS होता था वो बेसिकली जो हम पीछे छोड़ के आए ना AMPS, उसी का डिजिटल फॉर्म है, इट इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ AMPS, AMPS का डिजिटल वर्जन। ठीक है, मतलब एनालॉग सिस्टम पे बेस्ड था वो,
लेकिन AMPS जो हम यूज़ करते थे वो 10 to 20 किलोमीटर्स तक ही डिजिटल सिस्टम था, उससे ज़्यादा अगर हम यूज़ करते थे तो वो क्या होता था, वो एनालॉग के शक्ल में था। मतलब कि आप 10 to 20 किलोमीटर्स में मोबाइल की मदद से बात कर सकते थे। यूजुअली जो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम में एक छोटी रेंज के लिए मोबाइल फ़ोन बना दिए, ठीक है। लेकिन अब जो ज़माना है उसमें तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें तो भाई हम कितने भी दूर हों, हम दूसरी सिटी में हों, उत्तर प्रदेश में हों तो मध्य प्रदेश में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है, लेकिन उसमें नहीं होता था। एनालॉग सिस्टम में क्या होता था, हमें टेलीफोन लाइंस बिछानी पड़ती थी, ठीक है। अगर हम UP में खड़े हैं और MP में बात करना चाहते हैं तो कर लेंगे, लेकिन MP से UP तक लाइन गई होनी चाहिए थी, एक टेलीफोन के तार गए होने चाहिए थे, तब जाके हम उससे बात कर सकते थे, ठीक है। ये होता था। इट इज़ अ डिजिटल वर्जन ऑफ AMPS, द को एग्जिस्ट विद AMPS एंड यूजर TDM टू प्लेस मल्टीपल कॉल्स ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी चैनल। अच्छा, इसमें यूजर जो होते थे वो इसमें जो यूज़र्स होते थे वो मल्टीपल कॉल्स पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी पर कर सकते थे, ठीक है। इसकी एक स्पेशलिटी थी। इट इज़ डिस्क्राइब इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड IS-45 एंड इट्स सक्सेसर इज़ IS-36। सो बेसिकली आप इसके टाइप्स याद कर लीजिए, इसमें IS-34 और IS-36 का यूज़ होता था, IS-136 का यूज़ होता था। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थे, ठीक है, DAMPS के, मतलब इनको इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये जो DAMPS है वो डिजिटल फॉर्म है AMPS का, बस इतनी चीज़ याद रख लो, बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछेंगे। फिर इसका हमारा GSM, जिसको बोला जाता था ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सो GSM जो होता था हमारा, वो इमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट सिस्टम। डोमिनेंट सिस्टम मतलब कि ये बहुत समय तक यूज़ हुआ 2G मोबाइल फ़ोन्स में, GSM जिसको बोला जाता था। एंड वाइल इट इज़ नाउ यूज्ड वर्चुअली एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसको वर्चुअली हम बहुत जगह यूज़ करते हैं और अभी भी इसका यूज़ होता है, कहीं कहीं कुछ जगह पर होता है, इंडिया में तो शायद अब नहीं होता। लाइक DMPS, GSM इज़ बेस्ड ऑन द मिक्स ऑफ FDM एंड TDM, और इसमें जैसे हम AMPS में यूज़ करते थे, DAMPS में यूज़ करते थे फिक्स्ड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग की, उसी तरीके से GSM में भी हम इन दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। GSM का एक डायग्राम आपको, एक नेटवर्क आर्किटेक्चर में आपको बता देता हूँ। इसमें ये जो आप टावर्स देख रहे हैं, ये सेल टावर्स हुआ करते थे, और एक एयर इंटरफेस, मतलब कि एयर इंटरफेस का मतलब है ये डिजिटल फॉर्म में है ना, तो एयर इंटरफेस ही होगा पहले। अगर एयर इंटरफेस नहीं होगा तो हमारे लाइन के ज़रिए एनालॉग में आएगा, तो एयर इंटरफेस है तो मतलब कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल है। फिर इसमें एक सिम कार्ड होता था, अगर सिम कार्ड नहीं है तो हैंडसेट होता था जिसके अंदर सीरियल नंबर होता था, उसी सीरियल नंबर से हमारी कॉल लगती थी, ठीक है। ये बेसिकली रिलायंस और मोटोरोला के फ़ोन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादातर उसी में यूज़ हुई है। और रिलायंस के जो पहले फ़ोन थे, रिलायंस टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने बनाए थे, उसमें ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होती थी। सो बेसिकली ये हमारे BSC सेंटर्स थे, और इन BSC सेंटर्स से जुड़ा हुआ हमारा एक MSC सेंटर हुआ करता था, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इनसे हमारे जो जुड़ा हुआ एक MSC सेंटर हुआ करता था, और MSC सेंटर जो होता था वो एक PSTN से जुड़ा हुआ होता था। PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ये एक तरीके का आर्किटेक्चर है जो GSM टेक्नोलॉजी को दर्शाता है। ये ही मतलब ज़्यादातर वाइडली यूज्ड यही हुआ हमारे इंडिया में और भी कंट्रीज़ में, जो 2G मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता था। अगला है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डिजिटल वॉइस ओवर एनालॉग वॉइस। सो डिजिटल वॉइस जो है उसमें एनालॉग वॉइस कैसे अच्छा है, डिजिटल वॉइस जो है हमारा वो एनालॉग वॉइस से कैसे अच्छा है, अब हम इसमें जानेंगे।
सबसे पहली चीज़, इट प्रोवाइड कैपेसिटी गेन बाय अलाउइंग वॉइस सिग्नल्स टू बी डिजिटलाइज्ड एंड कंप्रेस्ड। सो डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल को डिजिटलाइज्ड बना दिया, अब हमें तारों की ज़रूरत नहीं है। हमने एक जगह सेटअप बना दिया अपना, वहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं हमारे और हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तरीके का पोर्टेबल सिस्टम था ये। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय अलाउइंग वॉइस एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू बी एनक्रिप्टेड। अच्छा, ये एक तरीके का एनक्रिप्टेड सिस्टम था, जिसमें क्या होता था, जो हम वॉइस सिग्नल्स जो भी हम भेज रहे हैं वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते थे। अगर हम पर्टिकुलर इंसान को फ़ोन लगा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर उसी इंसान को फ़ोन लगेगा, किसी और को नहीं लगेगा। दिस इन टर्न स्टॉप फ्रॉड एंड ईव्स ड्रॉपिंग। इसकी मदद से क्या हुआ, ईव्स ड्रॉपिंग और फ्रॉड सिस्टम क्या हुआ, स्टॉप हो गया, ठीक है। इट एनेबल्स न्यू सर्विस सच एज टेक्स्ट मैसेजिंग। इससे हमारी एक नई सर्विस निकल के आई जिसको हम टेक्स्ट मैसेजिंग बोलते थे, ठीक है। ये बेसिकली डाटा पे बेस्ड नहीं होती थी, ये बेसिकली जो आप बैलेंस डलवाते थे उसी बैलेंस पे बेस्ड होती थी, ठीक है। अगला है हमारा 3G मोबाइल फ़ोन, जिसको हम डिजिटल वॉइस और डाटा बोलते हैं। सो इसमें एक बेसिकली टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी जिसको बोला जाता था CDMA। CDMA जो है वो 2000 मतलब कि सन 2000 में इसको बनाया गया, उसको CDMA 2000 बोला जाता था। इसमें FDM और TDM की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ होती थी, ठीक है। इसमें क्या यूज़ होता था, इसमें CDM यूज़ होती थी। 2000 एक पहली टाइप है हमारी, जिस जो FDM और TDM को सपोर्ट नहीं करती थी, ठीक है। ये FDM और TDM को क्या नहीं करती थी, सपोर्ट नहीं करती थी। ये किसको सपोर्ट करती थी, ये CDM को सपोर्ट करती थी। CDM कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग जिसको बोला जाता है, इन विच ईच यूज़र सेंड्स वन सम फ्रिक्वेंसीज बैंड एट द सेम टाइम। इस पे क्या होता था, CDM पे क्या होता था, ईच यूज़र्स कैन सेंड सेम फ्रिक्वेंसी बैंड एट द सेम टाइम। एक टाइम पर बहुत सारे यूज़र्स सेम फ्रिक्वेंसी शेयर कर सकते थे। CDMA 2000 प्रपोज्ड बाय कॉलकॉम। कॉलकॉम एक कंपनी थी जिसने CDMA 2000 को सबसे पहले प्रपोज्ड किया, मतलब सबसे पहले बनाया। टू मेक CDMA वर्क इन द मोबाइल फ़ोन सेटिंग रिक्वायर्स मोर देन द बेसिक CDMA टेक्निक। इसमें बेसिकली जो CDMA जो था उसमें मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग्स जो बेसिक CDMA होता है उससे कुछ ज़्यादा थी, मतलब ये CDMA जो टेक्निक होती है उससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक इसमें यूज़ की गई। इसके बाद आती है हमारी WCDMA, मतलब वाइट CDMA। अब वाइट CDMA क्या है, इसको इरेक्सन कंपनी ने बनाया था और इसको पुष्ट किया गया यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। विच कॉल्ड इट्स UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकॉम सिस्टम, ठीक है। इसको UMTS एक दूसरा नाम भी दिया गया UMTS के नाम से, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली जो CDMA था उसकी वाइड फॉर्म थी WCDMA, ठीक है। जैसे AMPS की हमारी DAMPS थी ना, वो डिजिटल वाली थी, लेकिन इसमें क्या होता था, CDMA थी, उसको थोड़ा वाइड रेंज दे दिया गया था। इसके बाद हमारे एडवांटेजेस आते हैं, व्हाट आर दी एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस में CDMA कैन इम्प्रूव कैपेसिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ स्मॉल पीरियड व्हेन सम ट्रांसमीटर्स आर साइलेंट। इसमें क्या होता था, इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती थी। कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा होती थी कि क्योंकि ये इसकी जो टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ें CDMA की, तो आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता था कि एक पर्टिकुलरली CDMA में क्या होता था, पर्टिकुलरली CDMA में होता क्या था कि CDMA जो होती थी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पर्टिकुलर ट्रांसमीटर्स जो होते हैं एक सिंगल चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं, सिंगल स्पेक्ट्रम पर बहुत सारे वेरियस ट्रांसमीटर्स यूज़ हो सकते हैं हमारे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। कोड डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली ये होता है, तो ये इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिसोर्स शेयरिंग हो रही है इन स्मॉल टाइम, ठीक है। स्मॉल टाइम में ज़्यादा हम रिसोर्स कर पा रहे हैं,
तो इसीलिए इसको ज़्यादा इफेक्टिव माना गया। CDMA ईच सेल यूजेस द सेम फ्रिक्वेंसी। CDMA में क्या होता था, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो एक ही सेल CDMA जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी उसमें हम वो GSM और AMPS से अलग थी, इसलिए हम जो सेल्स थे हमारे पर्टिकुलर, हम कितने भी सेल फ़ोन यूज़ करें वो पर्टिकुलरली एक ही फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हुआ करते थे, एक ही पर्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हुआ करते थे। और इसमें क्या होता था, जो GSM और AMPS में FDM जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, जिसमें हम सेपरेट ट्रांसमिशन ऑफ डिफरेंट यूज़र्स यूज़ एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, ये उसमें नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, इसमें एक बेस स्टेशन होता था जिसमें एक मल्टी डायरेक्शनल एंटीना लगा होता था, ठीक है, एक बेस स्टेशन होता था जिसमें मल्टी डायरेक्शनल एंटीना लगा होता था। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब समझ रहे हैं आप, सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं दे रहा, वो हर डायरेक्शन में आपके सिग्नल्स को दे रहा है, ठीक है, ये होता था उसमें टू सेप। और ठीक है, और FDM जो टेक्नोलॉजी होती थी हमारी, FDM फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इसमें जो ट्रांसमिशन यूज़ होता था वो ओमनी डायरेक्शनल होता था। क्या होता था, ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल यूज़ होता था। CDMA फैसिलिटी सॉफ्ट हैंड ऑफ, इसमें जो फैसिलिटी यूज़ होती थी उसको सॉफ्ट हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते थे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है कि सॉफ्ट हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन सिस्टम्स। सो आप इसमें लिखेंगे कि 3G मोबाइल फ़ोन सिस्टम भी आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर CDMA भी आ सकता है। तो 3G मोबाइल फ़ोन सिस्टम में हैंड ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, ठीक है। मोबाइल फ़ोन रिक्वायर्स बाय द न्यू बेस स्टेशन बिफोर द प्रीवियस वन साइंस ऑफ, इन दिस वे देयर इज नो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। सो इसमें बेसिकली होता क्या था, ये नो सॉफ्ट हैंड ऑफ सिस्टम में ये होता था कि जो मोबाइल फ़ोन का जो कम्युनिकेशन है दूसरे बेस स्टेशन को लगाने से पहले, जो पहला बेस स्टेशन होता था उससे कनेक्ट कर दिया जाता था। और इसमें क्या होता था, इसमें नेटवर्क का लॉस नहीं होता था, इसमें कम्युनिकेशन का लॉस भी नहीं होता था, और जो रिक्वायर्ड कस्टमर्स हैं हमारे जो पिछले पहले से यूज़ करते आ रहे हैं उस चीज़ को, उनका भी लॉस नहीं होता था, ठीक है। इसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जिसको 3G टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसको बोला जाता है एज। एज का मतलब है एनहेंस डाटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। ये एक टेक्नोलॉजी यूज़ हुई जिसमें GSM टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया 3G टेक्नोलॉजी में, विथ मोर बिट्स पर सिंबल। जिसमें क्या होता था, जिसमें हमारी जिसमें जो हमारी बैंडविड्थ थी वो बढ़ गई थी। द ट्रबल इज़ मोर बिट्स पर सिंबल ऑल्सो मीन्स मोर एरर पर सिंबल। इसमें क्या था कि जब हमारी ज़्यादा बैंडविड्थ होती है तो हमारे एरर होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। जो हमारा बैंडविड्थ और जो हमारा बैंडविड्थ होता है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारे एरर से, इसीलिए जो हमारी बैंडविड्थ है वो अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे एरर्स भी बढ़ने लगेंगे। सो एज हैज़ 9 डिफरेंट स्कीम्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड एरर करेक्शन। सो इसमें एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता था जिसको बोला जाता था एरर करेक्शन, ठीक है। सो एरर करेक्शन की वजह से और मॉड्यूलेशन की मदद से हम इस चीज़ को रोक पाते थे। डिफरिंग इन टर्म्स ऑफ हाउ मच ऑफ द बैंडविड्थ इज़ डिवोटेड टू फिक्सिंग द एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द हायर स्पीड, एज इज़ वन स्टेप अलॉन्ग एन एवोल्यूशनरी पाथ दैट इज़ डिफाइंड फ्रॉम GSM टू WCDMA। सो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी GSM को एनहेंस्ड करने के बाद ये जो टेक्नोलॉजी कुछ दिखने लगी, इसके जैसे दिखने लगी, WCDMA के जैसे दिखने लगी, ठीक है, WCDMA जैसी दिखने लगी। इसके बाद आता है हमारा 4G मोबाइल फ़ोन सिस्टम, ये बेसिकली हमारा लास्ट टॉपिक है। सो 4G मोबाइल फ़ोन सिस्टम जो होता है वो हमारा आज का लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन सिस्टम है, जो किस पे वर्क करता है, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन पर वर्क करता है।
LTE भी इसको हम बोलते हैं। आपने अपने फ़ोन पे देखा होगा जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर टावर्स बन के आते हैं, ठीक है। टावर्स बनने के बाद यहाँ पर लिखा होता है 4G LTE। वो 4G LTE जो है वो आपका टेलीफोन कम्युनिकेशन नेटवर्क है। पहले के समय में जब 3G मोबाइल फ़ोन सिस्टम चलता था तो उसमें 3G अकेला लिख के आता था और कुछ लिख के नहीं आता था, लेकिन 4G LTE का मतलब ही है कि ये 3G का क्या है, ये 3G का लेटेस्ट वर्ज़न है। जो हमारी टेलीफोन कम्युनिकेशन अभी तक आई उसमें जो भी बदलाव हुए वो सिर्फ 3G तक हुए। अब उसको क्या करा जा रहा है, उसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज़ करा जा रहा है, उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि क्या हो सके, हम एक मिनट में ही हमारी कॉल लग जाए, ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट होना पड़े, हमें नेटवर्क ना मिले या फिर नेटवर्क कवरेज से बाहर है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए LTE का इस्तेमाल किया गया। ये एक तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 4G सिस्टम्स में यूज़ होती है। जो अब इसके हम सिर्फ फीचर्स पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बेसिकली अगर क्वेश्चन आएगा कि ऑन विच सिस्टम 4G टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड, तो LTE आपको सिलेक्ट करना है। पहली चीज़ तो हाई बैंडविड्थ इसमें होती है, दूसरा इसमें इबिक्विटी होती है, मतलब कनेक्टिविटी फॉर एवर। तीसरा होती है इसमें सीमलेस इंटीग्रेशन विद अदर वायर्ड एंड वायरलेस IP नेटवर्क इंक्लूडिंग 802.11 एक्सेस पॉइंट। जो वाईफाई की जो कनेक्टिविटी है वो इसमें सीमलेस होती है, ठीक है। आपने अपने घर में भी वाईफाई कनेक्ट करते होगे आप हॉटस्पॉट के ज़रिए, तो आप देखते होगे कि अच्छी स्पीड होती है इसकी। सो वाईफाई में भी अच्छी स्पीड दे रहा है, किसी भी डिवाइस को चलाओ आप, मैं लैपटॉप भी कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं मोबाइल फ़ोन भी कनेक्ट कर लेता हूँ, अच्छी स्पीड आती है। अडेप्टिंग रिसोर्सेज इन स्पेड स्पेक्ट्रम, इसमें जो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली जिस पे ज़्यादा फोकस करते हैं वो है अडेप्टिव रिसोर्सेज एंड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट। और इसी की मदद से हम आगे जो अगला टॉपिक हमारा 5G टेक्नोलॉजी, उसको भी हम इसी पे बेस्ड होता है वो। हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिसोर्स शेयरिंग, जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ऑनलाइन, इमेजेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये सारी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो सब इस हाई क्वालिटी में यूज़ हो रही हैं। किसी ने सोचा था कि 240p की वीडियो हम 1080p पर देखेंगे, नहीं सोचा था ना, 720p पे देखेंगे, 360p पे देखेंगे। सो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो हाई क्वालिटी में देखी जाती है 4G में। इसकी वजह आता है हमारा जो 4G LTE का जो अगर हम देखें तो इसमें जो एक वर्ज़न पाया जाता है जिसको बोला जाता है 802.16, ये एक वाईमैक्स होता है जो बेसिकली हम अपने घर में लगाते हैं, जो 4G की स्पीड देता है, ठीक है। आप लोगों को सब लगता होगा कि वाईफाई हम यूज़ करते हैं, वाईफाई तो एक स्टैंडर्ड है, 802.11 इट्स अ वाईफाई, इट्स अ स्टैंडर्ड। लेकिन उसमें भी कुछ इवेल्यूशन हुआ ना, तो 802.16 जो है वाईमैक्स वो हमारा 4G की स्पीड को सपोर्ट करता है। 5G टेक्नोलॉजी जो है हमारी वो हमारी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है, और ये क्या है, ये 4G LTE पे बेस्ड है, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम 4G प्लस बोलते हैं, 4G प्लस। 4G प्लस बेसिकली यही है हमारा 5G। इसमें क्या हो रहा है, जो हम करंट 4G LTE पे वर्क कर रहे हैं इसको और एडवांस्ड बनाना, इसको क्या बनाना, और एडवांस्ड बनाना ही हमारा क्या है, 5G टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और ये करंट डिमांड एंड टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फुलफ़िल करने के लिए बनाई गई है। कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो उसका मोटिव होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ट करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ट करने में एक टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा रोल निभाता है, इसीलिए 5G हमारे इंडिया में जल्दी आ गई, ठीक है। सो ये बेसिकली ये था हमारा लास्ट टॉपिक हमारे नेटवर्क मैनेजमेंट का। आपने और पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो वो आप देख सकते हैं, आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। और जो ए लेवल के जो IT स्टूडेंट हैं हमारे, और जो बाकी जो भी CSIT के स्टूडेंट हैं,
उनसे मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो मिल जाए।